मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन भी किया है। साथ ही MP के पूर्व मंत्री PC शर्मा और KK मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पिछले 2.5 साल में हुए घोटालों की एक सूची जारी करेगी, तब हम देखेंगे कि आप कितने लोगों पर मामला दर्ज करेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का आरोप को लगाने पर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया है। MP कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष KK मिश्रा ने दावा किया है कि राज्य के 41 जिलों में प्रियंका गांधी, वाड्रा कमलनाथ और पूर्व मंत्री अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ। आप सभी देश एवं प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से सरपंच ग्राम पंचायत जूना रहली जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से सरपंच ग्राम पंचायत सोनपुर रहली जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से श्री छोटू पटेल सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत समनापुर कला। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से महाकाल एंटरप्राइजेज रहली जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से श्री राहुल रम्मू यादव ठेकेदार गढ़ाकोटा जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से श्री कलानिधि तिवारी समिति प्रबंधक गढ़ाकोटा जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से श्रीमती प्रेमलता अवस्थी सरपंच ग्राम पंचायत खेजरा रहली। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से श्री दीपक दुबे लम्बरदार रामपुर जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश हालांकि इंदौर पुलिस का कहना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की BJP सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली एक पोस्ट पर प्रियंका गांधी, वाड्रा कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस में शिकायत के अनुसार ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के व्यक्ति की ओर से एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में ठेकेदारों को 50% कमीशन देने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि हमने इन FIRों के विरोध में मध्य प्रदेश के 52 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जबकि कई जिलों में हमने विरोध प्रदर्शन किया है। मिश्रा ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में क्राइम ब्रांच BJP नेताओं को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल यह मध्य प्रदेश में अब तर्क और वितर्क का दौर चल रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में कमीशन जैसे आरोप कांग्रेस भाजपा पर लगा रही है, तो वहीं भाजपा की सरकार में कांग्रेस पर FIR भी दर्ज हो रही है। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो।